बरसात में क्षेत्र के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं घरों में पानी भर रहा है तो कहीं पर तेज बारिश की वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है जहां दो गांव को जोड़ने वाली सड़क पर बने पुलिया में तेज बारिश की वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। ताजा मामला है ग्राम पंचायत पेलमा और आश्रित ग्राम घोघरा के मध्य बने पुलिया का, जहां पर तेज बारिश से पुलिया के ऊपर दूसरी दिशा में पानी सप्लाई करने के लिए लोहे का पाइपलाइन लगा हुआ था, जिसको ग्रामीणों की माने तो पीएचई विभाग ने लगाया है, जिसे पानी के तेज बहाव ने तोड़ दिया। फलस्वरूप लोहे का पाइप बहकर पुलिया से जा टकराया और जिससे पानी का बहाव पुलिया के ऊपर से बह रहा है और जिससे लोगों को जाने आने में काफी दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पुलिया ढहने का डर सता रहा है। वहां से होकर आने जाने वाले लोग दहशत में है। यदि बारिश से तेज बहाव के बीच समय रहते लोहे के पाइप को पुलिया से नहीं हटाया गया तो पुलिया को क्षतिग्रस्त होने से रोका नहीं जा सकता है। वहीं इस बात से भी गुरेज नहीं है कि जान माल का नुकसान हो सकता है। मैं पेलमा के रहने वाला श्रीराम हूँ। तो पुलिया के ऊपर में किसान वाला जो नहर बनाए थे उसको नो गया है तेज बहाव के कारण, तेज बहाव के पानी में तो पुलिया टूटने का संभावना है। इसीलिए इसके सुधार के लिए मैं चाहता हूँ, इसके लिए सुधार के लिए चाहता हूँ ताकि आने जाने का सुविधा और उतना सुविधा गाँव वालों को परेशान न करे। धन्यवाद। धन्यवाद।